आई एम गोइंग टू स्टार्ट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, इसे एटॉमिक ऑर्बिटल भी के नाम से भी जानते हैं। चलते शुरू करते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो बेटा ये हो गया आपका वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। बच्चों वैलेंसी बॉन्ड हम इसे थ्योरी बोलते हैं या हम इसे एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे एटॉमिक ऑर्बिटल भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये इसको किसने दिया था, हिटलर एंड लंदन। हिटलर ने इसे दिया था, इसे ठीक है। तो हम इसने क्या क्या था, एक्सप्लेन हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था बच्चों, एक्सप्लेन हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों। ये एक्सप्लेन किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अभी तक तो आपने सुना था कि केवल म्यूचुअल शेयरिंग होती है, लेकिन इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं भी बताया था। तो चलिए बच्चों, ये जो है बेस्ड किसके ऊपर था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पर, ठीक है ना। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इट वाज बेस्ड किसके ऊपर था, इट वाज बेस्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या था ये, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो ये बेस्ट था ऑफ एंड कंसेप्ट ऑफ, हम कह सकते हैं एंड कंसेप्ट ऑफ बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, राइट। ये जो है ओवरलैपिंग होती है टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल की, जिनके इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के पास, हाफ हाफ ऑर्बिटल के पास, तो हमें क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ओवरलैपिंग ऑफ टू क्या होते हैं, ये हाफ फील्ड। अभी मैं एग्जांपल बना के दिखा, डायग्राम बना के शो कर रहा हूँ। तो बेटा क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड क्या है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी ओवरलैपिंग होती है टू हाफ ऑर्बिटल्स के, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो क्या होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, यहाँ पे हम कर लेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हम आते हैं कि मेन पोस्टुलेट्स ऑफ जो है इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे बच्चों, कैसे ओवरलैपिंग होती है। जब ओवरलैपिंग होती है तो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स स्पिन अप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो ऑर्बिटल्स होते हैं तो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, इनकी ओवरलैपिंग होती है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ बच्चों हम समझते हैं कि मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंसी ऑफ, हम कह सकते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, या हम इसे शॉर्टकट में BBT भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसके डायग्राम से समझते हुए चलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ओवरलैपिंग होती है।
तो जरा हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट नोट देखते हैं कि ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या कहते हैं कि ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बनता है बच्चों बाई ओवरलैपिंग, बाई ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड ऑफ टू हाफ फील्ड ऑफ टू हाफ फील्ड बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स ऑफ टू एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन और हैविंग इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, विथ अपोजिट स्पिन यानी क्लॉकवाइज होगा और एक ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमने क्या बोला कि ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। अब देखो यहाँ कैसे होता है। अब देखो बच्चों यहाँ हमने क्या लिया, ये देखिए हमने एस ऑर्बिटल लिया, क्या लिया यहाँ देखिए इधर साइड, ये हमने लिया एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, ये बच्चों हमने फिर लिया यहाँ पर एस ऑर्बिटल लिया, ठीक है, ये हो गया बच्चों यहाँ पे एस ऑर्बिटल, ठीक है, और ये भी बच्चों यहाँ पे हो गया एस ऑर्बिटल, राइट। अब यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग होती है, ये देखिए यहाँ पे क्या होती है बच्चों, ये ओवरलैपिंग हो रही है, अब ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एस एस की ओवरलैपिंग हो रही है, किसकी हो रही है ओवरलैपिंग, एस एस की, तो यहाँ लिखेंगे एस एस ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अब एस एस ओवरलैप हो रहा है तो देखो इसमें दो एस ऑर्बिटल ये हुआ, एस ऑर्बिटल बटा ये हुआ, अब जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो देखो इसमें जो स्पिन अप बन रहा है क्या है स्पिन अप, ये स्पिन अप है, और स्पिन अप हुआ तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, आइए बेटा क्या स्पिन डाउन है, अरे भाई एक एस ऑर्बिटल इस स्पिन अप है, ये क्या स्पिन डाउन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हाफ फील्डेड ऑर्बिटल है, उसके बाद ये क्या मिलके बन रहा है बच्चों यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्यों क्या हो गए यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हुई, स्पिन अप है स्पिन डाउन है ना। तो इस समझ में आपको कहने का मतलब है कि जब ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा एक क्लॉकवाइज होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। हमने पहले ही आपको बताया था क्वांटम थ्योरी, हमने एक्सप्लेन किया था तो उसमें बोला था ना कि किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल में केवल टू ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो देखिए इसे बोलते हैं बेटा ये जो है हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या हुआ इसे बोलते हैं हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इस वीडियो को ध्यान देखिएगा, कल क्लास में मुझे यही डिस्कस करना है आपसे, ठीक है ना। ये बेटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, और ये भी क्या है ये भी हाफ फील्ड क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ लिख लीजिए ये बच्चों है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। और यहाँ भी क्या है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ये क्या है ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो हमने आपसे बोला था ना एस ऑर्बिटल एक ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं ये होगा क्लॉकवाइज, ये स्पिन अप बोलते हैं इसे पता है, ये जो ऊपर की तरफ एरो बना स्पिन अप बोलते हैं, स्पिन अप मतलब हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज, लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया बेटा ये स्पिन डाउन है इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, राइट।
तो ये आपने देखा कि एस ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा फिलअप होते हैं, इसमें होते हैं स्पिन अप होता है एक स्पिन डाउन होता है। तो स्पिन अप को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज, और स्पिन जो डाउन होता है ये एरो देखिए नीचे आया है तो इसे बोलते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे, अब एक स्पिन अप स्पिन डाउन यानी एक हाफ फील्ड ये, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी तरह फिलअप होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे हम फुली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फुली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, फुली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, इसमें लिखते हैं मेन पॉस्टुलेट्स में, फर्स्ट मेन पॉस्टुलेट्स में क्या था, ये फर्स्ट पॉइंट था कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्डेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे, जैसे हमने बोला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ठीक है, अब दूसरा पॉस्टुलेट करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल किसके ऊपर, दूसरा आइए दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट को समझते हैं। ये है जैसे हमने लिखा कि स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, ये स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट क्या है ये बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड ऑन क्या है बच्चों, ये डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑफ क्या है ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। अब आपको हम बता दें कि जब ग्रेटर ओवरलैपिंग एरिया में होती है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर ये पॉइंट को, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको समझना है, इसको समझना है कि ग्रेटर द ओवरलैपिंग क्या है ये, ग्रेटर द ओवरलैपिंग एरिया, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यानी ग्रेटर द ओवरलैपिंग एरिया स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है ना, शॉर्टर बॉन्ड ये क्या होगी बच्चों, ये लेंथ, ठीक है ना। अब कैसे होगा ज़रा इसको समझते हैं, जैसे आपने किया कि अब यहाँ पे हमने लिया ऑर्बिटल्स, हमने क्या लिया ये देखिए, हमने लिया बच्चों यहाँ पे ये हमने लिया एस ऑर्बिटल, ठीक है ना, एस ऑर्बिटल मान लिया हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने ये ऑर्बिटल लिया, एस ऑर्बिटल इधर लिया, ठीक है। अब देखिए एस ऑर्बिटल ये हो गया आपका, और बच्चों एस ऑर्बिटल यहाँ हो गया। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, कल मैं क्लास में डिस्कस करूँगा, है ना, तो इसको आप लोग थोड़ा समझे रहेंगे तो और आसानी रहेगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये क्या हुआ एस ऑर्बिटल अब दोनों क्या कर दिए यहाँ पे, दोनों क्या कर दिए यहाँ पे, ओवरलैपिंग हो गई, क्या हो गई ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। अब ओवरलैपिंग हो गई, एस की ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो रही है, अरे भाई दोनों न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये साइड में हम लिख देते हैं, आपको लर्न ध्यान रहेगा हमेशा कि ये लिख लीजिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ बेटा जो है यहाँ पे देखिए, अब न्यूक्लियस यहाँ पे है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है क्योंकि दोनों न्यूक्लियस जो है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है इनकी रिड्यूस हो रही है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, न्यूक्लियस पास में है तो किसका बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गर क्या होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का बेटा फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसी तरह क्या होता है, अगर जो हम एस ऑर्बिटल बना, अब दूसरा हम लेते हैं बेटा पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल
ये देखिए आपने लिया, ये देखिए बच्चों ये पी ऑर्बिटल है बेटा, ये क्या है पी ऑर्बिटल है। अरे आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑर्बिटल्स में, तो ये क्या है ध्यान, ये है बेटा बच्चों पी ऑर्बिटल राइट। ये भी क्या है बच्चों पी ऑर्बिटल राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, इनकी भी क्या हो रही है ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है। अब देखो इसकी जो ओवरलैपिंग हो रही है साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, किसी हो रही साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये हो रहे हैं बेटा पी पी, क्या हो रहा है ओवरलैप, ठीक है ना, या ओवरलैपिंग लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए ओवरलैपिंग, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग, यहाँ भी ओवरलैपिंग लिख लीजिए यहाँ पे ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि पी पी ओवरलैपिंग हुई। अब ये क्या, ये तो भाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या है साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों साइड वाइज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चों पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है ना, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे ठीक है ना बच्चों, साइड वाइज ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग ठीक है। तो हम आगे थोड़ा सा यहाँ करते हैं, हाँ अब आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट। ये तो आपने समझ लिया, अभी कि इनकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी न होगी, यहाँ पे देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, न्यूक्लियस से दूर है और यहाँ क्या है न्यूक्लियस से पास में है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन जल्दी बनेगा ही, और इसमें तो पाई बॉन्ड बनता है आपको पता होगा, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे है ना। तो चलिए चलते हैं जरा थर्ड पॉइंट पे है ना बच्चों, थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि थर्ड पॉइंट होता क्या है। ये तो आपने समझ लिया कि पी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, ये न्यूक्लियस से दूर है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ भी डेंसिटी कम है, इनका बॉन्ड क्या होगा जल्दी वीक ही होगा पाई सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्यों होता है क्योंकि न्यूक्लियस से पास में होते हैं, ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों वो स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन उसमें नहीं होता है, वीक बॉन्ड होता है ठीक है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, फिर आगे हम इस पे भी और डिस्कस करेंगे। हम लिखते हैं ड्यू टू इंक्रीज द अट्रैक्शन, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ड्यू, थर्ड पॉइंट लिखते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड, ड्यू टू इंक्रीज्ड अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इन द कंबाइंड स्टेट, इन द कंबाइंड स्टेट, इन द कंबाइंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स शेयर, द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों शेयर, ऑल्दो ठीक है दे रिपेल टू ईच अदर, क्या करते हैं दे रिपेल टू ईच अदर है ना बच्चों। अब थोड़ा सा हम इधर ध्यान रखते हैं कि बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग बिफोर शेयरिंग ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन, इस पॉइंट को ध्यान से समझना है आपको, ऑफ एन एटम इज अट्रैक्टेड, क्या करते हैं ये क्या करें बच्चों अट्रैक्टेड करें, डायग्राम में समझा रहा हूँ, बाई वनली क्या करते हैं बाई वनली वन न्यूक्लियस, वनली वन न्यूक्लियस, बट आफ्टर शेयरिंग, आप शेयरिंग के बाद क्या होता है बट आफ्टर शेयरिंग, बट आफ्टर शेयरिंग ईच इलेक्ट्रॉन, ईच अट्रैक्टेड, अब जब अट्रैक्ट होता है तो दो न्यूक्लियाई से करेगा ठीक है ना, क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड
अट्रैक्टेड बाय, बच्चों ये क्या करेगा, टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, ये आपने ले लिया बेटा एस ऑर्बिटल लिया, यहाँ बच्चों आपने ले लिया एस ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये एस एस ओवरलैपिंग हो गई, आपको पता ही है पहले से ही, एस एस क्या हो गया बच्चों यहाँ पे ओवरलैपिंग ये आपकी हो गई। ये क्या है बेटा, ये एस ऑर्बिटल है, आपको पता ही है, और हमने भी यहाँ लिखा है ये क्या है बच्चों, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम बच्चों ये कहते हैं जब बाई जब ये ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की, तो टू टाइप्स आपके बॉन्ड बनते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे बाई द ओवरलैपिंग, बच्चों यहाँ ध्यान देना है आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाय द बच्चों ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जब होता है, तो आपको देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है, इसे कई बार नीट में भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्बिटल्स बोर्ड में तो आपके रहेंगे ही। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म, क्या होता है बच्चों, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म, क्या होंगे, जब ओवरलैपिंग होगी तो दो तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हम लिखेंगे टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर क्या होंगे बच्चों, फॉर्म बनेंगे, है ना। अब कौन कौन से बनेंगे, आपको पता होगा, हो सकता है पहले से आपने जानते भी होंगे कुछ बच्चे। पहला बच्चों बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, इसे बोलते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरा बच्चों होता है, बोलते हैं पाई बॉन्ड, दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब ओवरलैपिंग होती है, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा बच्चों क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ बेटा लिखेंगे हम, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, पाई बॉन्ड का बेटा फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों पाई बॉन्ड, ठीक है ना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम ये करते हैं कि जब फेन टू हाफ फील्डेड ऑर्बिटल्स, हम कहते हैं बेटा अब दो बॉन्ड का ये फॉर्मेशन होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो हम बेटा आते हैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये होता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है क्या है जनरली, ये आते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना बेटा, सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं या इसे आप इसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन टू हाफ फील्डेड ऑर्बिटल्स ओवरलैप ऑन बॉन्ड एक्सिस, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बॉन्ड एक्सिस पर जब बनते हैं तो, ठीक है ना। अब कैसे होता है यहाँ थोड़ा समझते हैं हम बेटा, यहाँ लिखते हैं कि व्हेन टू हाफ फील्डेड ऑर्बिटल, हम यहाँ लिखते हैं बच्चों व्हेन टू हाफ फील्डेड ऑर्बिटल क्या करते हैं बच्चों, ओवरलैपिंग होती है इनकी, ओवरलैप करते हैं ऑन बॉन्ड एक्सिस पे, ऑन किस पे बच्चों, बॉन्ड एक्सिस पे, तो सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, फॉर्म, यानी सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो थोड़ा सा इस पॉइंट को लिखते हैं कि ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे इस पॉइंट को लिखेंगे कि ओवरलैपिंग बच्चों इन सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें बनता है तो देखिए क्या क्या बॉन्ड का होता है, सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें बेटा देखिए थोड़ा सा हेडिंग करते हैं कि इसको थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। इसमें बेटा सबसे पहले ध्यान देना है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जब हेड, फर्स्ट पॉइंट को देखना है यहाँ पे बेटा, कि हेड ऑन, यानी हेड ऑन कर सकते हैं या फ्रंट टू फ्रंट कर सकते हैं, या फ्रंट टू फ्रंट हम बेटा इसे कर सकते हैं। ऑर्बिटल की क्या होती है बच्चों, ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल क्या होती है बच्चों, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। फ्रंट हेड ऑन या फ्रंट टू फ्रंट ऑवर क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जितने भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ध्यान रखेगा उसमें क्या होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है।
तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल सिंगल बॉन्ड, जितने भी बच्चों सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो लिखेंगे ऑल सिग्मा बॉन्ड, आर सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, आर सिंगल बॉन्ड, इसको ध्यान रखना है, आर सिंगल बॉन्ड, आर क्या होते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। लिखेंगे ऑल सिंगल बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऑल सिंगल बॉन्ड आर क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप सिग्मा बॉन्ड, क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब देखेंगे बच्चों सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो आपने ये लिखा, थर्ड पॉइंट यहाँ आपको ये लिखना है कि सिग्मा बॉन्ड्स, ये ध्यान रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है या पाई बॉन्ड, तो सिग्मा, इसका भी रीजन बताऊंगा मैं आपको, सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों, आर स्ट्रांगर, क्या होते हैं, आर स्ट्रांगर बॉन्ड्स, क्या होते हैं, स्ट्रांगर बॉन्ड्स ड्यू टू लार्ज ओवरलैपिंग एरिया, ड्यू टू क्या होता है बच्चों, लार्ज ओवरलैपिंग, बेटा क्या है ये, यूरिया अने एरिया, यानी एरिया, लार्ज ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है ना, तो बेटा ये होती है लार्ज ओवरलैपिंग एरिया। अने देखे हैं कि भाई देखिए जैस होता है जो ओवरलैपिंग, अभी उन्होंने ऊपर बताया था कि ये देखिए ये दोनों न्यूक्लियस के पास में होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस के पास में होते हैं, देखिए इनकी, फिर इनकी जो ओवरलैपिंग होती है कैसी होती है, यहाँ पे देखिए ये होती है, ये क्या दोनों ओवरलैपिंग अच्छे को, दोनों के ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो बेटा क्या कहते हैं इसे, लार्ज ओवरलैपिंग एरिया होता है, ठीक है ना बेटा। इसे मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, तो इसको आपने समझ लिया है, ये होता है बेटा लार्ज ओवरलैपिंग एरिया। अब आते हैं बेटा यहाँ पे ड्यू टू लार्ज ओवरलैपिंग एरिया, अब देखिए कैसे होता है, हमने यहाँ देखिए लिया, यहाँ पे बच्चों हमने लिया, एक ले लिया, मान लीजिए ये बॉन्ड ले लिया, क्या ले लिया हमने, ले लिया एच लिया, मान लीजिए हमने एच बॉन्ड एच ले लिया एटम, और इसमें भी हमने ले लिया हाइड्रोजन होता है ये टू एटम, तो ये ले लिया। अब बेटा ये क्या करें, एस ऑर्बिटल ये बन गया, एस ऑर्बिटल तो पता ही है आपको कि ये है, दूसरा भी क्या है बच्चों, एस ऑर्बिटल ये है ना बेटा, ऑर्बिटल ये है, ये भी है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोनों यहाँ पे, दोनों देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, अब ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है, या किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, एस टू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये दिया, मान लीजिए ये दिया, ये दिया, तो ये एस टू मॉलिक्यूल का हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बॉन्ड एक्सिस है ये, क्या बेटा बॉन्ड एक्सिस, ये रज द बॉन्ड एक्सिस है, क्या है ये बॉन्ड एक्सिस, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो एस एस ओवरलैपिंग जो है फ्रॉम टू फ्रंट या ओवरलैप हो रही है, यानी हेड टू हेड बेटा हो रही है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्म, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दें, और मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे देखिए कैसे हमने ले लिया बेटा ये एस, ठीक है, हमने फिर ले लिया है एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, यहाँ क्या हो जाती है ओवरलैपिंग हो जाती है, हो जाती है एस एस बेटा ओवरलैप हो गया, ये इसे ये लिख लीजिए यहाँ पे एस ऑर्बिटल बच्चों, ये भी हो गया एस ऑर्बिटल, ये हो रहा है बच्चों ओ एस ओवरलैप हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, हमने हाइड्रोजन का लिया है, किसका लिया, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बन गया, टू इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए टू इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग हो गई, तो यहाँ क्या बन गया, अब ये क्या है सिंगल बॉन्ड बना, यानी एच और एच, टू इलेक्ट्रॉन होते तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बताया है हमने आपको कि बेटा टू इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिंगल बॉन्ड होता है, फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डबल बॉन्ड होता है, मैंने क्लास में डिस्कस किया था, सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड बना, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है केवल सिग्मा होता है, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखेंगे तो आप बोलेंगे वहाँ सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है बच्चों, ये फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा ये सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का ये फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब हम आते हैं थोड़ा सा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा रह गया है, अब आते हैं बच्चों ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन,
इस साइड साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड। ये बच्चों ये देखिए पाई बॉन्ड है, क्या ये पाई है, तो इसे कह सकते हैं पी ऑर्बिटल, है ना बच्चों। और इसे कहते हैं बेटा पी ऑर्बिटल, ये भी क्या है पी ऑर्बिटल, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, ये पी ऑर्बिटल। अब बेटा हम यहाँ पे ओवरलैपिंग करते हैं, तो देखिए कुछ ऐसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है, ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पे ऐसा है। अब इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ये क्या कहते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं साइड वाइज, क्या बोलते हैं बच्चों, ओवर, ये बेटा क्या होती है लैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड होते हैं वीकर, पाई बॉन्ड क्या होते हैं वीकर होते हैं, पाई बॉन्ड कह सकते हैं वीकर या कंपेयर, वीकर होते हैं बेटा कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के, किसके बेटा बच्चों सिग्मा बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड के क्या होते हैं कंपेयर में क्या होते हैं बेटा वीक होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बिलो होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, न्यूक्लियस इनके दूर है, तो क्यों होती है बच्चों, इसलिए होती है ड्यू टू कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बेटा, ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है एबव होगी या आर हम इसे बिलो होती है कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बिलो होती है, जो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होती है, जो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होती है, इसीलिए क्या होता है पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक है ना। तो यह आपने समझ लिया। एक चीज़ और ध्यान करिएगा कि सिंगल बॉन्ड जहाँ होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड क्या है बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है सिंगल बॉन्ड पता ही है आपको, तो यहाँ केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, क्या बनेगा यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना। अभी मैं कुछ क्लास में कल कराऊंगा आप लोग को, इसे ध्यान से वीडियो देखिएगा। अरे बेटा डबल बॉन्ड होता है तो जो पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बनेगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई, ये तो डबल बॉन्ड होता है, पढ़ाई आपने इसे, तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, ये दूसरे नंबर पर होता है पाई बॉन्ड, और तीसरे नंबर पर भी होता है पाई बॉन्ड, तो इसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और कोई पूछे आपसे कि बताइए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड, तो आप बताओगे कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्यों होता है कि ड्यू टू लार्ज एरिया क्या करता है ओवरलैप करता है, और पाई बॉन्ड क्या करता है लार्ज एरिया ओवरलैप करता ही नहीं है, बिल्कुल साइड वाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल लो होती है बेटा, इसीलिए वीकर बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं बेटा। अब ये बेटा एग्जांपल है, फॉर हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, किसका ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया मेथेन का, किसका ले लिया हमने, ये ले लिया मेथेन, ठीक है ना बच्चों, हमने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल एक मेथेन का, राइट। मेथेन में देखिए हमने क्या लिया, ये लिया सी है, ये है, ये बेटा एच है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हमने ले लिया बेटा हाइड्रोजन। अब देखो बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये आपने पढ़ा भी होगा 109025 एंगल पढ़ा होगा आपने टेंथ में, ये वाला ये मेथेन का स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है आपको पता होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी बेटा सिंगल बॉन्ड है, तो कितने बन गए, और कितने बन गए बच्चों, तो ये कितने होंगे फोर सिग्मा बॉन्ड का क्या हुआ, फोर सिग्मा बॉन्ड का क्या बच्चों फॉर्मेशन हुआ, फोर सिग्मा बॉन्ड यहाँ बने, कितने बने, ये क्वेश्चन आता है कि कितने, कोई स्ट्रक्चर देगा अब पूछेगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। अब चलो आते हैं दूसरा हम करते हैं, ये बेटा इथीन का करते हैं, ठीक है, ये इथीन, ठीक है, ये क्या है C2H4, ठीक है बच्चों। तो हमने देखिए यहाँ पर लिया, क्या लिया, ये इथीन है, इथीन, तो ये हम लोग बच्चों लिया डबल बॉन्ड, और हमने देखो यहाँ लिया ये सी है, ये हमने एच लिया, ये हमने एच लिया, ये हमने यहाँ एच लिया, और यहाँ हमने एच लिया। अब देखो यहाँ हमने बोला था ना कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड तो पहले से बन जाएगा पता ही आपको, यहाँ एक सिग्मा बनेगा बच्चों, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो कितना बॉन्ड बन गया यहाँ पे, फाइव सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बोलो हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 ये फाइव, तो कितना बन गया, फाइव सिग्मा बॉन्ड बन गया बच्चों, और क्या बन गया, वन क्या बटा बनना, ये पाई बॉन्ड का ये फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है बेटा। इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली आपको ध्यान से पढ़ना है, कल मैं क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, अच्छे से इसे करना है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है बच्चों। तो हम आज इस वीडियो को यहीं पे बेटा एंड करते हैं, फिर आगे हम कल आगे का वीडियो आपको देंगे।